मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली कांड कराया था, जिसमें 4 गोलियां मुझे लगी थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। अब उस मंजर को याद करने में तकलीफ होती है। जब आप लोगों ने मुलायम सिंह को यही दिया था, हमने कहा देख लीजिए, आपने कहा था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, और देख लिया हमने, हम लोगों ने क्या किया। कुछ तो ऐसे थे, मैंने देखा तो मंजर हमको भूल नहीं पा रहे हैं। हम मरेंगे मारेंगे पर ढांचे तोड़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, और इस वक्त पतित पावन अयोध्या धाम। हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है, सरयू किनारे राम की पैड़ी पर हमारी मौजूदगी है, और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कार सेवक हैं, हमारे साथ बात करने के लिए संतोष दुबे जी हैं और रवि शंकर जी हैं। ये कार सेवक के रूप में इनकी पहचान है, और इतिहास के अगर पन्नों को पलटते हैं तो तमाम वो जो अमिट छाप हैं वो निकल कर सामने आती हैं, और एक एक करके तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ संतोष दुबे जी हैं। संतोष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे, 22 जनवरी 2024 अहम तारीख, और इस तारीख का इंतज़ार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था, और वो शुभ घड़ी अब आ चुकी है। कह सकते हैं कि तमाम संघर्षों के बाद, लंबे अंतराल के बाद, और एक के बाद एक जब कड़ी जुड़ती गई, तो अब वो शुभ तारीख हमारे सामने है, जिसका देशवासी अयोध्यावासी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से वहाँ पर देखने को मिली, जब कार सेवक के रूप में आपकी पहचान हुई, और इसके बाद वो तमाम यादों को भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो उस समय घटित हुई। शुरुआत आपके साथ में, क्या कुछ रहा था वो माहौल, वो तारीख 6 दिसंबर 1992 की, क्या कुछ हुआ और किस तरीके से इतिहास के पन्नों में वो तारीख दर्ज हो गई? देखिए, 6 दिसंबर से पहले 2 तारीखें और थीं, 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990। 30 अक्टूबर 90 को मुलायम सिंह ने घोषणा की थी कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इसे हम नौजवानों ने चुनौती में लिया था और कहा था परिंदा तो छोड़िए, हम खुद भी आएंगे, ढांचे पर चढ़ेंगे, भगवा लहराएंगे, तब वापस जाएंगे। तो ये तो 30 अक्टूबर की तारीख थी, जिसमें हम लोगों ने अपना जो काम करना था वो किया। फिर 2 नवंबर की घटना थी, जिससे खिसियाए मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली कांड कराया था, जिसमें 4 गोलियां मुझे लगी थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। अब उस मंजर को याद करने में तकलीफ होती है, उस बात को छोड़कर मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 नवंबर की घटना न हुई होती तो हम लोगों के संकल्प को शक्ति न मिलती। गोलियां लगने के बाद बोलते ना, घायल शेर और खतरनाक हो जाता है, तो गोलियां लगने के बाद मन में अब एक सूत्री कार्यक्रम बन गया। अभी तो बहुत सी माया में फंसे थे, लेकिन जब गोलियां लगीं और स्वस्थ हुए तो मन में भाव आ गया कि अब केवल एक सूत्री कार्यक्रम, केवल ढांचे को ढाना है। हाँ, तो उस ढांचे को ढाने के लिए पूरा प्रयास आरंभ हुआ, और वो प्रयास ये था कि अपने रक्त से लोगों से हस्ताक्षर करवाते थे। 5,000 लोगों की एक सेना तैयार की गई, 5,000 लोगों की। उसमें से देखिए, ये लोग हैं, ये श्रवण मिश्रा हैं, ये बस्ती के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने खून से इन्होंने भी हस्ताक्षर किया था। अच्छा, इस तरह से 5,000 नौजवानों को तैयार किया गया था। अब तो चेहरा मोरा बदल गया है जी। इनकी फ़ोटो भी हमारे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा अखबारों में, जब हम लोग ढांचा तोड़ने जा रहे हैं जी। तो इनके हाथ में भी सब्बल वगैरह मैं दिखलाऊंगा। अच्छा, ये रविशंकर पांडे जी उस समय कड़कती ठंड में भी सैंडो बनियान में निकले थे। तो ये 5,000 लोगों में 1,000 महिलाएं थी, 4,000 पुरुष थे। इन सबको तैयार किया गया, 1.5 साल लग गया। मोटरसाइकिल से हम लोग, मतलब स्कूटर से, पूरे पूर्वांचल के 30-35 जिलों में घूम घूम करके लोगों को इकट्ठा किया है। और उसमें ये फार्म था, ऊपर लिखा था कि आप राम मंदिर चाहते हैं, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहते हैं, यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद ढानी पड़ेगी, यदि हाँ तो आपकी जान जा सकती है, यदि हाँ तो अपने रक्त से हस्ताक्षर करें या अंगूठा लगावें। मतलब ये फॉर्म किसकी तरफ से भरवाए जा रहे थे?
ये कार्यसेवकों के उस जत्थे के द्वारा भराए जा रहे थे जो वास्तव में काम करते, ये मेरा ही अपना नेतृत्व था। इसके पीछे एक बड़े संत का हाथ था, ये अशोक का वृक्ष है, वहीं बैठकर उन्होंने हमको बताया था कि ये 5000 लोग होंगे, तो उन्होंने कोण बताए थे, 17 कोण है राम जन्मभूमि के, और 350-350 लोग उन कोणों से जब हमला करेंगे तो, और सशस्त्र हमला करेंगे, गैंती से, सब बल से, तलवार होंगी लोगों को डराने के लिए, त्रिशूल होंगे, कैमरे तोड़ने हैं, वो कैमरे जो हमको मतलब गालियां देते, पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई कि किस तरीके से हमें एक एक करके आगे बढ़ना है और क्या क्या तैयारियां करनी है, सबकी रूपरेखा बनती हुई नजर आई। पूरी तैयारी की गई, 1.5 साल लगा जी। फिर उसके बाद भाजपा के एक बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो दुनिया में नहीं रह गए, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। देवराम दास वेदांती जी, महंत राम लभाकुंज, उनके यहाँ ही सबको रोकने की व्यवस्था की गई। सारे लोग 5 दिसंबर को ही आ गए थे अयोध्या, और सब महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, और ये तय हुआ था कि रात में कोई सोएगा नहीं। सब जो शक्तिशाली लोग थे, ज़्यादा ताकत वाले, उनके हाथ में घन था, उनको घन दे दिया गया। जो कुछ कम थे उनके हाथ में गैंती, कुछ और कम वो सब्बल वाले थे, नीचे से काटेंगे, और तलवारधारी जो ज़्यादा दिलेर लोग थे, मार काट वाले, उनके जिम्मे तलवारें थी, जिनका चेहरा मोहरा भी ऐसा था कि धाड़ते तो लोग डर जाते, और त्रिशूलधारी वो साथी थे हमारे, जिनके जिम्मे था कि जो विदेशी मीडिया भारत को गालियां देता है, हिंदू समाज को गालियां देता है, इस आंदोलन को गालियां दे रहा है, उनके कैमरे को तोड़ देना है, और न माने तो हाथ भी तोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को तो मिटाना पड़ता है ना। तो इस तरह से ये 5000 लोगों की टीम जब वहाँ से निकली, और सबका गंतव्य निश्चित था कि सब अमावा मंदिर के पास से इमिलिया बाग होते हुए पीछे से एक रोशनी गली बोलते थे, फिर कुबेर टीला की गली, फिर गोकुल भवन की गली, ऐसी गलियां, फिर दुराही कुआं की गली, मुख्य द्वार पर हमारी जिम्मेदारी थी कि आप देखेंगे। तो उस मुख्य मार्ग पर जब हम लोग सब पहुंचे तो वहीं से टीमें सब अपनी चली गई। हर हर महादेव का नारा लगना था, 11:30 बजे तय हुआ था कि हर हर महादेव का नारा लगेगा। एक दुर्गा पहलवान थे हमारी टीम में, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, वही नारा लगाएंगे। जैसे ही मैंने इशारा किया वो उन्होंने शुरू कर दिया, फिर चारों ओर से नारा लगने लगा, और फिर उसके बाद हम लोग ये जानते थे जो मंच पर भाषण वीर बैठे हैं, सिंगल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये भाषण वीर अपना काम करेंगे, आपको राम की कसम, शुरू कर दिया इन्होंने वही विधवा विलाप। अच्छा, एक ये प्रमुख भी जानकारी निकलकर सामने आती है कि अलग अलग जगह से टोलियां आई, टोलियां बनाकर लोग आए और एक जगह इकट्ठे हुए, फिर यहां से भूमिका तय की गई कि हम इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, इस तरह की भूमिका। मैंने आपको बताया कि यही भूमिका है, इसको आप भूमिका कह रहे हैं, हमने रणनीति बता दिया, इतने है ये सारी चीज की रणनीति। हाँ, रणनीति का हिस्सा था ये, और वो ये रणनीति एक घंटे में नहीं, पूरी रात में तैयार की गई थी। तो इस और हर जत्थे में वो 100-100 हैमरधारी थे, हैमर वाले, गदा वाले, कहीं 50 कहीं 70, ऐसे सबका अपना जो भी चढ़ जाएगा पहले। अब रस्सा फेंकना था ढांचे पर, गुंबद पर राड लगा हुआ था, आपको याद हो तो ऐसे, ये रविशंकर पांडे जी, इनके जिम्मे था आप रस्सा फेंकेंगे, ये एक दिन का काम नहीं था। इसको अनुसुईया आश्रम में वहाँ चित्रकूट में हम लोगों ने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दिलाई थी, और वहाँ हम लोग दिला रहे थे ट्रेनिंग, तो पुलिस के भाई लोग पहुँच गए, उन्होंने कहा क्या हो रहा है, तो बताया गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी हो रही है, बहुत खुश हुए। अब मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो कुछ अच्छे होते भी हैं तो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा यार तो आप लोगों को चाय भी नहीं पिला सकते, उन्होंने बड़ी वाहवाही करी और चले गए। मतलब मध्य प्रदेश के पुलिस वाले अच्छे थे, अगर यूपी पुलिस कर्मियों की अगर बात करते हैं उस समय की, तो दौर कुछ जो है वो अलग था भाई। उस समय की यूपी पुलिस क्या होती थी वो आपको पता है ना, इनकी भी मजबूरी थी बेचारों की ना, नौकरी करना है तो हुक्म बजाना पड़ता था यहाँ, तो उनकी मजबूरी थी, इसलिए यहाँ वो परिस्थितियाँ नहीं थी। वहाँ के मुख्यमंत्री दूसरे थे, वहाँ कुछ और निजाम चल रहा था, वहाँ के निजाम के अनुसार राम राम होता था, यहाँ के निजाम के अनुसार समाजवाद फैला था, दोनों में अंतर था। तो उस सब को तोड़ने के लिए बाकायदा उसकी कंपेनिंग की गई, ट्रेनिंग दी गई, ली गई, और इसके पीछे एक बड़े संत का हाथ था, और भी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, उन्हीं के वो कोच थे, मामा जी जिनको कहा जाता था, शंकराचार्य जी स्वयं उनको मामा कहते थे, वो कौशल्या जी के गांव के थे, वहीं आसपास के कहीं के थे, वो बड़े पहाड़ी क्षेत्र के थे, उनको जानकारी थी, वही ट्रेनिंग दिलाए थे दोनों ने बड़ी मेहनत कराई थी हम लोगों से।
तब ये दिन आया 22 जनवरी यूं ही नहीं आ गई है, ये कार्यकर्ताओं के खून से आई है, मेहनत से आई है, पसीने से आई है, ये भाषण वीरों के भौकाल से नहीं है। अब तो भाई भारत में तीन काल था, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आजकल ट्रस्ट में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं वो भावकाल, सब झूठे बोलना है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना, इतनी आसानी से सारा कार्य नहीं हो गया, इसमें काम करना पड़ा। हम लोगों ने अपनी पूरी युवावस्था को दांव पर लगाया, रात रात भर, दिन दिन भर, बिना खाए पिए, एक धुन सवार थी। यूँ मान लीजिए हम लोग उस समय सुसाइड बम्बर की तरह काम कर रहे थे, मरेंगे मारेंगे पर ढांचे तोड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि उस टाइम में युवावस्था रही होगी, नया जोश था, नई उमंग थी, घर वालों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि जब बच्चा घर से जाता है उस तरह भी कई सारे सवाल निकल कर आते हैं। आजकल का अगर जमाना देखें, उस टाइम पे भी माँ बाप ने रोका होगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या भूमिका है, किस तरीके से, क्योंकि जो उस तरह की परिदृश्य थी उस समय की जो तस्वीरें थी वो कुछ और ही तस्वीर नजर निकल कर सामने आई। तो परिवार वालों ने कैसे, परिवार वालों को आपने कैसे गाइड किया? हमारा परिवार बिस्कुट खाने वाला नहीं था, न टॉफी वाला और न लॉलीपॉप वाला था, हमारा परिवार चना खाने वाला। तो मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे, अधिवक्ता हमारे बड़े भाई अधिवक्ता थे, स्वर्गीय राजेंद्र दुबे जी, उन्होंने भी कहा था कि जो करना हो करो, राम कार्य है, बिना संकोच तोड़ो इसको, बचने नहीं पाओ, मंदिर तभी बनेगा जब ढांचा टूटेगा। हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड में ये निविदा थी, ये व्यवस्था थी, एक टेंडर था कि इसको तोड़ो। तो उमेश चंद पांडे जी, जिन्होंने 86 में ताला खुलवाया था, वो मेरे सगे मौसेरे भाई हैं। तो परिवार का बैकग्राउंड, रामलला को विराजमान कराने में भी हमारे पिताजी की भूमिका थी 1949 में। हम क्या उसको बताएं, आजकल तो लोग सब अपने ढंग से कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, दिखता कुछ और, होता कुछ और है। तो सब छोड़िए, बहुत लंबा है, वो परिवार का बैकग्राउंड इस मामले में बिल्कुल तैयार था कि एक रोटी खाएंगे पर ढांचा हम ही गिराएंगे, ये सीख मिली थी हमारे परिवार वालों ने कहा कि जाइए आप मजबूती के साथ। बिल्कुल, परिवार के लोगों ने सहयोग किया। हमारे पिताजी बहुत बहादुर आदमी थे, उन्होंने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था, इसीलिए कोर्ट मार्शल हुआ था, बड़े जांबाज व्यक्ति थे और वो यहाँ पहलवान व्यक्ति थे, तो बहुत बुद्धि नहीं लगाते थे। उन्होंने जाओ बिल्कुल ढांचा तोड़ो, हमारे 3 बेटे हैं, एक नहीं रहेगा, राम के लिए सौंप दिया। तो उस परिवार में हम जन्मे हैं जहाँ से ये सीख मिली है। हमारे गुरु भी वो हमको शिक्षा देते रहे, धर्म कार्य के लिए प्राण जाएं तो अभी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं हुआ। ढांचे को थोड़ा तब ये दिन आ रहा, मुझे अदालत में तलब किया गया, CBI ने आरोपी बनाया, मुख्य आरोपी बनाया। अच्छा। मेरी ढांचा गिराते समय मैं ढांचे के नीचे आ गया था, 17 हड्डियां टूटी थी। अच्छा, उस टाइम पे मैं कोमा में था, जैसा कि आपने ही बताया कि उस टाइम पे रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, लेकिन ये है कि उस टाइम जब आपको चोटिल भी हुए और गोलियां भी लगी, फिर उसके बाद की कहानी क्या, फिर कैसे, क्या कुछ अपने आप को संभाला, किस तरीके से? लगने के बाद 6 दिसंबर की घटना के लिए हमने अपनी तैयारी शुरू की, मैंने बताया ना 1.5 साल लगा, और किसी के भरोसे आंदोलन नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जिनके भरोसे छोड़ते वो केवल सत्ता का खेल खेल रहे थे। हम लोग अयोध्या के लोग उब चुके थे, रोज़ रामलला हम आएंगे मंदिरों ही बनाएंगे, रोज़ रामलला हम आएंगे मंदिरों ही बनाएंगे चल रहा था। तो ये अड्डा बन गया था, राजनीति का अखाड़ा बन गया था, इसलिए उसको तोड़ना जरूरी था। तो 6 दिसंबर का दिन आया, ढांचा तोड़ते समय गुंबद के नीचे मैं आ गया था, 4:30 बजे के आसपास जो आखिरी गुंबद टूटा उसके नीचे आ गया था, यही लोग लाने वाले हैं। तो अब मैं उसमें 22 दिन कोमा में रहा, 17 हड्डियां शरीर की टूटी, लेकिन मुझे खुशी है मंदिर बन रहा, वो गतम ने सोचा में कृतम ने मन ने, जो गया सो गया, आने वाले के लिए तैयार हैं, मंदिर बन रहा है। अब 30 जनवरी को हम लोग दर्शन के लिए रामलला जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक स्टंटबाजी में अपने को कोई नहीं पड़ना है, तो अपना मतलब काम धार्मिक है। मतलब माहौल तो बनाया जा रहा है कि 22 को आएंगे, तो 22 में क्यों, 23 में, 24 में, फिर 30 आपने तारीख तय कर ली? 30 तारीख को 40 साल हो जाएगा हमारे इस प्रण का। अच्छा। हमने प्रण किया था कि हम अपना भी घर तब बनाएंगे जब रामलला का घर बन जाएगा, और दर्शन करने तब जाएंगे जब मंदिर में होंगे भगवान। तो 30 जनवरी 1984 को संकल्प लिया था, और 30 जनवरी 2024 में वो संकल्प पूरा हो रहा, तब उस दिन जाएंगे दर्शन करने। तो बिल्कुल वो संकल्प जरूर पूरा हो रहा है और भव्यता के साथ पूरा होगा, निश्चित ही। हमारे साथ दूसरे जो हैं कार सेवक रविशंकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और ज़्यादा बात करने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। रविशंकर जी, जैसा कि तमाम चीज़ें हैं निकल कर सामने आती हैं, कार सेवा से जुड़े हुए तमाम वो चेहरे भी इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनकी मौजूदगी में
बहुत कुछ हुआ जिसके बाद आज वो अहम दिन आया है और 22 तारीख को जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका भी योगदान उस दौरान बहुत कुछ रहा, क्या कुछ परिवेश था, कैसा माहौल था और क्या कुछ आपके द्वारा सहयोग किया गया? उस समय तो परिवेश क्या, उस समय तो मुलायम सिंह सरकार थी, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 30 अक्टूबर को परिंदा पर नहीं मारेगा, कार सेवा कौन करेगा, यहाँ तो हम परिंदे को कहीं घुसने देंगे अयोध्या में। हम लोगों ने ये निश्चित कर लिया कि अब इनको चैलेंज देना, इन्होंने चैलेंज किया, इनका चैलेंज हम लोगों ने स्वीकार किया। हजारों की संख्या में कार सेवक वो देख रहे हैं उस सरसज्जू जी के उस पार, वहाँ से तमाम कार सेवक, हजारों कार सेवक रेती में पड़े हुए थे एक दो दिन पहले से ही, सब आ करके सब इस पार नैया से कुछ लोग पैदल कैसे भी जिधर से भी रास्ता जिसको मिला सब लोग वहाँ पहुँच गए सब। उसके बाद तो फिर सब लोगों ने अपना किया, हम लोग जाकर के वहाँ भगवा ध्वज पहरा दिए, ध्वज भी नहीं थे किसी के पास, हमारे संतोष जी के पास भगवा अंगोछा था और भगवा अंगोछा ही फहराया गया, इन्होंने ही फहराया था, हम इन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्य हुआ था। हम लोग वहाँ पहुँचे और भगवान अंगोछा इन्होंने फहराया, हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगे और सबसे पहला जवाब हम लोगों ने मुलायम सिंह को यही दिया था। हमने कहा देख लीजिए, आपने कहा था कि परिंदा पर नहीं मारेगा और देख लिया हमने, हम लोगों ने क्या किया। उसके बाद 2 नवंबर की बात, 2 नवंबर 1990 तो पूरा रक्त रंजित इतिहास है ये अयोध्या का। हम लोग छोटी छावनी एक जगह पे अयोध्या में है, लगभग 3000 कार सेवकों का एक जत्था जो केवल राम धुन करते हुए निहत्थे, राम धुन करते हुए, किसी भी तरह का कोई वो नहीं, किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं, न किसी तरह कोई आक्रमकता, सारे लोग बड़े सहज भाव से भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए हम लोग आ गए थे। रास्ते में पड़ता है दिगंबर अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा उसमें कुछ वरिष्ठ नेता जिन्हें आप भाषण वीर कह सकते हैं वो भी हम लोगों के साथ थे, कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लूंगा मैं। दिगंबर अखाड़ा जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे बढ़े, लाल कोठी और दिगंबर अखाड़ा के बीच में ये हुआ कि नहीं अब आगे पुलिस बहुत ज़्यादा है, आगे नहीं जाने देगी, तो अब सब लोग बैठ जाइए यहीं पर और बैठ करके सब लोग अपना कीर्तन कीजिए। सब लोग बैठ गए वहीं। कुछ आगे वाला जो जत्था था, जिस हम और भाई संतोष दुबे और 2-4 लोग और राजेंद्र धरकार और रमेश पांडे, हम लोग साथ में ही थे। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर ये हुआ कि नहीं, कि वहाँ तो फायरिंग खोल दी गई है। कोठारी बंधु भी हम लोगों के साथ थे, कोठारी बंधु थे और वहाँ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग जब शुरू हुई तो कुछ तो ऐसे थे, मैंने देखा तो मंजर हमको भूल नहीं पा रहे हम। स्थिति ऐसी हो गई थी कि गोली खाने के बाद भी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए, गिरने लगे लोग, भगदड़ मच गई। स्थिति ये हो गई थी कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी जो है जय श्री राम के नारे। कोठारी बंधु को गोली लगी, बड़े भाई को गोली लगी, शरद कोठारी को, और रामकुमार जैसे ही दौड़े उनको भी गोली मार दी। जब उनको गोली मारी तो हम और संतोष दुबे साथ में थे, भाई संतोष दुबे दौड़े, मैं चूंकि भीड़ का रेला इतना जबरदस्त था, भगदड़ इतनी जबरदस्त थी, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन निगाहें हम लोगों की थी कि नहीं कि यहाँ गोली लग रही, बिल्कुल मुश्किल से 5 फीट 10 फीट के अंदर की बात थी, उतना नहीं लेकिन भीड़ बहुत थी। तो जैसे ही ये दौड़े और उसके बाद तो फिर जो है इनको गोली लगी, 4 गोलियां इनको लगी, तड़ जब इनको गोली लगी, ये हमारे सेनानायक थे, ये सेनापति थे, जैसे ही इनको गोली लगी वैसे हम लोग दौड़े वहाँ, मैं दौड़ा, जैसे ही मैं इनके नज़दीक पहुँचता हूँ, किसी पुलिस, अब क्या था वो CRPF था या PSC था या लोकल पुलिस था, उसने राइफल से हमको, जैसे ही राइफल का बट उसने मारा, मैं झुका, झुकने का प्रयास, जी हाँ, मेरे कंधे पर बट पड़ा, मेरे कंधे पर चोट तो बहुत आई क्योंकि राइफल का बट बड़ा मजबूत होता है और कंधे पर लगने का मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कंधा कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ ही होगा, युवा अवस्था थी, लेकिन उस समय तो केवल हमको इनको बचाना था। कोठारी बंधु तो वहीं मर गए, तुरंत मरे, हम लोगों के सामने उनकी हत्या हुई, मैं तो उनको हत्या मानता हूँ, उनकी हत्या की गई, हम लोग उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव हैं।
और इनको मैं लादा, ऐसे ही उठा के कंधे पर लादा और कंधे पर, दाहिने कंधे पर बाया कंधा मेरा चोटिल था, लादा गली के अंदर मैं सीधे भागा ग्राउंड जीरो पर। आप चल करके आप देखिएगा, आज भी उस दीवारों पे गोलियों के निशान है। मैं इनको लादना, लादने के बाद पे इनको गली के अंदर मैं घुसा, वहाँ पे तो कुछ लोग, चूँकि गोलियाँ चल रही थी, भगदड़ थी, खिड़की और दरवाजे सारे बंद हो गए थे गलियों के। कुछ महिलाएँ ऐसी थीं कि जिन्होंने, दयालु थी, मैं उनको दयालु मानता हूँ, या हो सकता है कि भगवान श्री राम खुद आए हों वहाँ। उन्होंने दरवाजा खोल करके, खिड़की नुमा दरवाजा था, बहुत ज़्यादा दरवाजा नहीं, मुश्किल से 3-3.5 फीट का दरवाजा था वो। हम लोग अंदर गए, किसी तरह इनको, मैं गिर गया वहीं पर, फिर भी मैं खड़ा होकर इनको घसीटा, घसीटने पर वो रास्ता निकलता था दूसरी तरफ, परली तरफ, सड़क की तरफ। इनको मैं फिर घसीट करके मैं ले गया वहाँ पे सड़क के किनारे, और उसके बाद किसी तरह से इनको हॉस्पिटल ले गया। इनकी स्थिति बड़ी ख़राब थी और हम लोग तो यही समझे थे कि नहीं, कि मेरा सेनापति तो गया। मतलब गोली चलने के बाद ये हुआ कि अपनों को बचाओ। जी हाँ, पहला जी, काम जी, अपने को बचाओ, अपनों को बचाओ, अपनों के साथ में जो और भी लोग आपके साथ में आए होंगे उनको भी आप इसी तरीके से। जी जी जी, क्योंकि उसके बाद फिर धीरे 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 फिर जब हम लोग वहाँ लौट करके आए, इनको हॉस्पिटल करने के बाद जब लौट करके आए, तो कम से कम 350-350 लोगों की लाशें पड़ी थी, और उसमें वो लोग भी तड़पे हुए तड़प रहे थे कि जिनको गोलियां लगी थी, किसी के पैर में लगी थी, किसी के हाथ में लगी थी, किसी की पीठ पे लगी थी, अंधाधुंध गोलियां चल रही थी वहां पे। तो हाँ जी हाँ, गोलियां ये भी नहीं कि निशान है, अंधाधुंध किसको कहां लग रही है गोली, सब पड़े हुए थे, गिरे हुए थे। 1.5 से 2 घंटे तक जो है कोठारी बंधु वहीं पड़े हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग, चूंकि चोटिल मैं भी था, चोट मुझे भी लग गई थी, और बाद में जब मामला सब धीरे धीरे जब हुआ ना, सब ठंडा जब होने लगा, तो हमको लगा कि मेरा हाथ एक फ्रैक्चर हो गया, बायां हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया। फिर लोग हमको लेकर गए, मैं तो इनको लेकर के गया। उसके बाद तो फिर मैं धीरे धीरे होता, जैसे जोश खत्म होता, शिथिलता आती है, मेरे अंदर कुछ शिथिलता आई, और उसके बाद तो फिर लोगों ने हमको उठाया और लेके गए, और बैंडेज वगैरह हुआ, स्थिति ये थी। तो बिल्कुल, अगर उस बात करें उस समय की उम्र की, तो क्या उम्र रही होगी? लगभग 27 साल हमारी उम्र थी। 27 साल? जी हाँ, 27 साल की युवा अवस्था, और उसके बाद इतना बड़ा निर्णय, और जो सामने तस्वीरें वो बिल्कुल ही विचलित करने वाली होंगी। कैसे अपने आप के मनोबल को आपने बढ़ाया, और कैसे अपने आप को मजबूत किया? असल में उस समय सन 86 से लेकर के आज तक हमारे संतोष दुबे जी यूथ आइकन थे। उस समय शिवसेना के ये प्रदेश प्रमुख थे, और जब मेरा इनसे संपर्क हुआ सन 86 में, तो चूंकि बहुत ज़्यादा संपर्क हमारा इनका था, मित्रता थी, एक अच्छी मित्रता थी, मैं बड़ा भाई इनके, ये हमको बड़े भाई हमेशा कहते का सम्मान देते थे, इन्होंने मुझे फैजाबाद मंडल का प्रदेश प्रमुख बना दिया शिवसेना का। चूँकि अब सब कुछ साथ में था, इसलिए साथ में उठना बैठना सोना खाना जो भी गतिविधियाँ थी साथ में, कहाँ कहाँ किसको करना है, किसको क्या करना है, क्या कहाँ पे जाना है, एक स्कूटर थी इनके पास, उस स्कूटर को लेकर के हम ही दो लोग रात में 2 बजे 2:30 बजे निकलते थे। पुलिस का डर था, CBI का डर था, LIU का डर था, और पोजीशन ये थी कि हम लोग दौड़ते थे, निकलते थे 200-200 किलोमीटर 250-250 किलोमीटर। वही जैसा कि हमारे संतोष दुबे जी ने बताया कि फार्म था, फार्म पे जो है लोगों का दस्तखत करवाना, वहाँ पे शपथ पत्र था, वो फार्म क्या समझिए, वो शपथ पत्र था। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि अरे क्या इसको क्या करना है, हम लोग तो आएंगे वहाँ। हम लोग समझ जाते थे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, फिर ठीक है आएगा तो ठीक है, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि 6 दिसंबर को तो ये हम लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था, 5 दिसंबर तक जो है जितने भी हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र दिया गया था वो सारे लोग, 5,000 लोग, 1,000 महिलाओं का जत्था और 4,000 पुरुषों का जत्था, एक भी ऐसा नहीं था जो किसी कोई भी एब्सेंट नहीं था, सारे लोग बिल्कुल निश्चित तय जगह पे सब लोग इकट्ठे थे, और सब लोगों ने साथ में खिचड़ी खाई रात में, और खिचड़ी खाने के बाद जो है बातें होने लगी, और उसके की बात आपने उनसे सुनी ही कि ब्रह्म ये डर नहीं था कि कल हम जाएंगे ये भी हो सकता है, और कुछ गलत हुआ तो फिर क्या होगा, आप यकीन नहीं करेंगे जी। वो जो सारे युवा थे, महिलाएं युवा थी, पुरुष युवा थे, सारे युवा थे, जो सबके अंदर था, सब लोगों ने यही सोच लिया था मरेंगे या मारेंगे,
अगर ये मस्जिद, ये गुंबद, नौजवान उस समय का 22 वर्ष का ये भी खड़ा था, अगर 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 गुंबद नहीं टूटता है, गुंबद अगर आज नहीं टूटेगा तो फिर राम मंदिर जिंदगी में नहीं बनेगा। और ये भाषण भी, ये अपनी दुकान ऐसे ही चलाते रहेंगे। तीन बार चार बार सांकेतिक कार सेवा, सांकेतिक कार सेवा, बालू लाओ, पत्थर लाओ, पानी लाओ, ये क्या होता है? ये क्या कार सेवा? हम लोग उब गए थे, पूरे अयोध्या वासी उब गए, सारे यूथ, सारे जितने युवा थे सारे उब गए थे कि ये लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे और मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं टूटेगा, मंदिर नहीं बन पाएगा। अब अयोध्या बदल रही है और तस्वीरें जो है बिल्कुल नई है, नई अयोध्या बन चुकी है और 22 तारीख को जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ रही है। क्या कहेंगे? साधुवाद, धन्यवाद, साधुवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, उन्होंने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन राम मंदिर के लिए उन्होंने करके कर, हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसका उन्होंने फल दिया, इसके लिए साथ हुआ। और उस वक्त की, यानी कि उस तारीख की, 6 दिसंबर 1992, उस तारीख की एक बच्ची, जब वो बच्ची हुआ करती थी और उस भगदड़ में वो घायल हो गई और प्रमुख अखबारों की फ्रंट पेज पे उनकी जो तस्वीरें लगी उसने सभी को विचलित कर दिया। उन्हीं से सीधे मुखातिब करवाऊंगा आपका। और हमारे साथ इस वक्त प्रज्ञा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। प्रज्ञा जी, तस्वीरें मैंने देखी आपकी, वो तस्वीरें जो हैं उस तारीख के पेपर में छपी हुई हैं और तस्वीर में आप बहुत छोटी लग रही हैं और आज आप जो है काफ़ी कुछ बदलाव देख रही होंगी। क्या कुछ बदला है इन तारीखों में, क्या कुछ बदला है इन दिनों में और क्या कुछ बदला है अयोध्या में? अयोध्या तो हमारी काफ़ी बदल चुकी है। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी ने अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है। और रही वो अयोध्या, तो उस अयोध्या का मंजर तो मैं आपको क्या बताऊं, जिस चीज़ को मैंने देखा है, बहुत ही दर्दनीय अयोध्या थी। उसको मैं तो बच्ची थी तभी, वो पीड़ा थी, जिस चीज़ को मैंने देखा है वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। और एक सवाल ये भी आता है कि वो, मतलब मैं उस तस्वीर का जिक्र करना चाहता हूँ खासकर, जो समय रही है, जो अखबारों में छपी, कि आप जो है घायल अवस्था में पाई गई, मतलब माँ बाप आपके गए कार सेवक के रूप में सेवा देने के लिए और इसके बाद जो है आप भगदड़ में घायल हो जाती हैं, जो सुर्खियां बटोरती हैं, क्या वो मंजर रहा होगा? कुछ याद है थोड़ा बहुत आपको? हाँ, उस समय तो बहुत टूटा फूटा था, बहुत मलबा था, रक्त थे, बहुत ज़्यादा रक्त थे, लोग बहुत घायल थे, भागते थे, चिल्ला रहे थे, इस तरह का मंजर था जिसमें हम भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। मेरी पैर की सारी उंगलियाँ डैमेज हो गई थी, जिसको मतलब ऑपरेट करके सही किया गया है, अभी भी निशान है मेरे पैर में। मेरे पेरेंट्स को ये भी था कि लड़की है, पता नहीं कोई शादी करेगा नहीं करेगा, खड़ी होगी कि नहीं होगी, ये कंडीशन हो गया था। मैं भी बहुत ज़्यादा घायल थी, उसमें मैं दब भी गई थी, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी बहुत ही दर्दनीय थी। मैं अभी भी याद करती हूँ तो मेरे रोवे खड़े हो जाते हैं, जिस चीज़ को मैंने फेस किया है। थोड़ा बहुत कुछ जो स्मृतियों में आपको, आपके याद हो कि क्या कुछ रहा था, माँ बाप कैसे आपको लेकर आगे गए, किसी क्योंकि माँ बाप मेरे पेरेंट्स आए थे और वो कोई बच्चा लेके तो आएगा नहीं इस कंडीशन में, मैं ऐसे छुप के आ गई थी। और आने के बाद जो वहाँ का मंजर था, मैं सीधे उसी तरह से तरफ भागी और मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उस समय मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह से बोलते हुए मैं उस तरह मतलब भागी। और जो वहाँ पर कार्य सेवक लोग कर रहे थे, उस वही चीज़ मैं भी करना चाह रही थी, लेकिन इतने लोग भाग रहे थे, इतने घायल थे, जो गोलियाँ लगी थी, बहुत सारे लोग घायल थे कि उन्हीं में मैं भी गिर के दब गई थी और काफ़ी समय तक बेहोश भी थी। जी, अब अयोध्या बदल रही है, काफ़ी कुछ बदल रहा है, 22 तारीख का इंतज़ार पूरे देशवासियों को और कह सकते हैं कि विश्व की नज़रें भी इस वक्त देश पर टिकी हुई हैं और ख़ासकर अयोध्या पर। अयोध्या में आपका निवास स्थान है, अयोध्या बदल रही है, कितना कुछ बदल गया है अयोध्या में, और तब के अयोध्या और अब के अयोध्या में क्या कुछ अंतर है? अयोध्या तो बहुत बदल हो गई है। सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी फीलिंग सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं सोचती थी कि मैं, मेरी वो अवस्था तो बाल्य अवस्था थी, काश मेरे जीवन में अयोध्या बन जाए, मैं उस अपने इस जीवन में उस अयोध्या को देख पाऊँ, मैं राम जन्मभूमि तक आने लायक रहूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रहूँ ही ना दुनिया में या मैं वृद्धावस्था में हूँ तो मैं आ नहीं पाऊँगी, ऐसा मन में एक डर था। लेकिन हमेशा लगता था काश ऐसा हो जाए। और आज की अयोध्या को देख के तो हम आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है और कितना अच्छा लग रहा है। और आज की हमारी अयोध्या जो मैंने रामायण में पढ़ा था या मैंने सुना था, उस चीज़ से मिलती जुलती अयोध्या को देख के बहुत ही मन हर्षोल्लास से भरा हुआ है। और मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रज्ञा श्रीवास्तव,
वो लड़की जिसने वो मंजर देखा जब कार सेवक के रूप में उनके माता पिता जाते हैं और फिर ये बस्ती बचाती देखने के लिए एक भीड़ के जत्थे के साथ निकल जाती हैं और कहीं ना कहीं उस भगदड़ में घायल हो जाती हैं। आज वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई है और बदलते हुए अयोध्या की तस्वीर उन्होंने बताई कि कैसा उन्हें लग रहा है। उनका कहना है साफ तौर पर कि ये अयोध्या निश्चित ही अद्भुत है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।